अगर आप अपने जीवन में सारी नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हो या अपने इच्छुक व्यक्ति की नेगेटिविटी रिमूव करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार साधकों, मंत्र साधना में आपका स्वागत है। जानता हूं काफी लंबे समय बाद ये वीडियो आ रही है। साधकों, कुछ साधकों की साधना करवाने के लिए मैं हिमाचल में था, इसी वजह से मुझे देरी हो गई। तो आज मैं आपको एक ऐसी हीलिंग सिखाने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं, और इस हीलिंग में आप अपने ऊपर से चाहे जैसी भी नेगेटिविटी हो उसे दूर कर सकते हैं। जी, मैं आज से आपको कैंडल हीलिंग सिखाने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस हीलिंग में आपको एक ब्लैक कैंडल दिख रही है। साधकों, कैंडल हीलिंग कैंडल के कलर पर जरूर निर्भर करती है। जिस कलर की कैंडल है उस तरह की हीलिंग आप खुद को या अपने पार्टनर को दे पाओगे। और आने वाली आगे की वीडियो में मैं आपको सभी कलर की कैंडल हीलिंग के बारे में बताऊंगा। तो नेगेटिविटी रिमूवल के लिए आपको एक ब्लैक कैंडल चाहिए होगी। वैसे तो ब्लैक कैंडल आसानी से नहीं मिलती, पर आप चाहो तो हमारे चैनल से भी मंगवा सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। साधकों, सबसे पहले आप एक ब्लैक कैंडल लें और उस पर एक टूथपिक की मदद से आप अफर्मेशन लिखें। सबसे पहले आपको कैंडल पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ध्यान रखना, आप अफर्मेशन को ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, क्योंकि जब आपकी कैंडल बर्न होगी तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी और ऐसे ही आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब जल जाएगी। जैसे मैं लिख रहा हूं, आप बिल्कुल इसी भांति ही लिखें। मैं लिख रहा हूं, माय ऑल नेगेटिविटी इज रिमूविंग एंड आई एम अ प्योर सोल। जी साधको, आप इसे आराम से लिखें और आप चाहें तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। अफर्मेशन लिखने के बाद आप कैंडल पर ऑयल लगाएं और साधको, नेगेटिविटी रिमूव के लिए आप इस पर मस्टर्ड ऑयल ही लगाएं। जी, आपको इसी तरह कैंडल पर ऑयल लगाना है। आप इस पर हर्ब्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप व्हाइट सेज इसमें यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी हर्ब्स हैं। आने वाली आगे वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद साधको, आप एक प्लेट पर सिल्वर पेपर चढ़ा लें। और ऐसा क्यों, ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। साधको, आप कैंडल को प्लेट के बीच में रखकर उसे जला लें, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और इस समय आप कोई भी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैं मां बगलामुखी का बीज मंत्र का जाप भी करता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि बगलामुखी मंत्र नेगेटिविटी और शत्रु निवारण के लिए अति उचित है। मंत्र आपको इस प्रकार जाप करना है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचां मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। बगलामुखी मंत्र का 108 बार जाप की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही डली हुई है। अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उसके बाद साधको, जब आपकी कैंडल पूरी तरह से जल जाए, आपको उसी समय ही इस सिल्वर पेपर के साथ पूरी कैंडल की वैक्स को बाहर फेंक देना है। आपको अपने घर से बाहर फेंकनी है, नहीं तो जितनी भी नेगेटिविटी है दोबारा आपके घर में रह जाएगी। और सिल्वर पेपर इसलिए है ताकि जब आप कैंडल जले तो उसकी वैक्स आपकी प्लेट में ना चिपके। साधको, एक जरूरी बात, आप कैंडल हीलिंग को रात में ही करें और शुरुआती 7 दिनों में आप सिर्फ अपने लिए ही करें, क्योंकि अगर आप शुरू में ही लोगों के लिए करने लग जाएंगे तो वहां मामला थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाएगा।
कैंडल जब पूरी जल जाए तो उसकी वैक्स की फोटो आप मुझे ज़रूर भेजें। वैक्स को देखकर मैं आपको यह बता दूंगा कि आपकी नेगेटिविटी अभी कितनी रिमूव है और कितनी और कैंडल हीलिंग की आपको ज़रूरत है। तो साधको, आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। काफ़ी लंबे समय बाद ये वीडियो आ रही है, मैं समझ सकता हूँ, बट आने वाले आगे के समय में निरंतर आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिए, और जो लोग कैंडल हीलिंग सीखना चाहते हैं वो खुश हो जाइए, क्योंकि आने वाले आगे की वीडियो में पूरी कैंडल हीलिंग का ही सेशन लिया जाएगा। तो साधको, धन्यवाद। राधे राधे।